हेलो एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल गाइस लॉ एंड ऑर्डर। एडवोकेट्स जो कि जुडिशियरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इससे पहले किसी भी तरह की लॉ में कोई भी प्रोविजन नहीं हुआ करती थी गाइस, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है दोस्तों एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल। तो जैसे कि आप सभी जानते ही है कि वकालत करना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत से अनसोशल एलिमेंट से पाला पड़ सकता है दोस्तों, जो कि एडवोकेट्स को परेशान कर सकते हैं। ऐसी वारदातें कई बार हो चुकी है कि एडवोकेट्स के ऊपर अटैक्स होते हैं, गलत भाषाओं में उनसे बात की जाती है, कोई केस लड़ने या ना लड़ने के लिए एडवोकेट्स या उनकी फैमिली पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है दोस्तों। इन सभी अनसोशल एलिमेंट से बचने के लिए या एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक बिल इंट्रोड्यूस्ड किया गया है जिसका नाम है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल। तो आइए जानते हैं इस बिल के प्रोविजंस क्या क्या है। तो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि एडवोकेट से किसी भी तरह का गैर बर्ताव करना, एडवोकेट के साथ मारपीट करना या उसे गाली देना, ये इस एक्ट के तहत एक ऑफेंस माना गया है दोस्तों, जिसके लिए कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक की पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है, और साथ ही साथ 50,000 से लेकर 1,00,000 तक के जुर्माने का भी इसमें प्रावधान किया गया है दोस्तों। और अगर कोई व्यक्ति जो कि ऑलरेडी इस एक्ट के अंडर कन्विक्टेड है वो सेकेंड टाइम सेम ऑफेंस अगर करता है दोस्तों, उसे कम से कम 1 साल की सज़ा और 10,00,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। इस एक्ट के तहत किए जाने वाले सभी गुना कॉग्निजिबल और नॉन अवेलेबल होंगे। कॉग्निजिबल का मतलब है कि विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट पुलिस मशीनरी उस व्यक्ति को, मतलब कि अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और साथ ही साथ उसके ऊपर चार्जशीट फाइल कर सकती है दोस्तों। साथ ही साथ इस एक्ट के अंडर होने वाले क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार ये डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे ऊपर की रैंक के ही किसी पुलिस ऑफिसर को दिया गया है दोस्तों। उससे नीचे की रैंक वाला कोई भी पुलिस ऑफिसर इससे रिलेटेड ऑफेंस के अंडर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। इसके साथ में एक और प्रोविजन की गई है दोस्तों कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपनी इन्वेस्टिगेशन मैक्सिमम 30 डेज में कम्प्लीट करके अपनी चार्जशीट कोर्ट में फाइल करनी होगी दोस्तों। इसके अंडर जो कोई भी ऑफेंसेस है दोस्तों सारे ही ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट हो गए, और साथ ही साथ एडवोकेट को होने वाला नुकसान, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का अगर नुकसान होता है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है उससे डबल का कंपनसेशन कोर्ट एडवोकेट को प्रोवाइड करेगा दोस्तों। इसी के साथ वो एडवोकेट जो इस एक्ट के अंडर विक्टिम है उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ अगर कोई व्यक्ति एडवोकेट पर किसी भी तरह की झूठी केस फाइल करता है दोस्तों तो उसे एक बड़ा जुर्माना कोर्ट में पे करना होगा, ये भी प्रावधान इस बिल के तहत किया गया है। और साथ ही साथ पर्सनली मुझे एक बात जो बहुत अच्छी लगी है दोस्तों वो ये है, एडवोकेट के साथ होने वाला दुर्व्यवहार जो है वो चाहे कोर्ट प्रीमाइसेस में हो या अदरवाइज बाहर कहीं हो, वो इस एक्ट के तहत ऑफेंस माना जाएगा दोस्तों। हालांकि ये एक बिल है, अभी एक्ट पास नहीं हुआ है, और ज़रूरत पड़ने पर इसमें कोई नेसेसरी चेंजेस किए जा सकते हैं, कुछ प्रोविजंस डिलीट की जा सकती है, हालांकि कुछ प्रोविजंस इसमें ऐड भी की जा सकती है दोस्तों। लेकिन जो बिल पार्लियामेंट में अभी प्रोड्यूस किया गया है इसके बाद वकीलों को बहुत सी राहत मिली है दोस्तों। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।